बड़वानी भाजपा से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने अपने पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि फेसबुक पर करते हुए लिखा कि मेरे प्रिय जनों, मुझे एक दो दिन से जुकाम व हल्का बुखार था। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोविड-19 टेस्ट करवा ले। साथ ही मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। बड़वानी जिले से भेजे गए सैंपल में से 238 लोगों की रिपोर्ट और निगेटिव प्राप्त हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक जिले से 13,638 लोगों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें से अब तक 12,031 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव, 942 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वहीं 649 लोगों की रिपोर्ट आना शेष है। वहीं अब तक 942 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 727 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 207 कोरोना वायरस पॉजिटिव का बड़वानी और इंदौर में इलाज चल रहा है। वहीं 8 लोगों की मौत हुई है। बड़वानी वर्तमान में बढ़ रहे साइबर अपराध, बैंक ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध आदि को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने एक नई पहल शुरू की, जिसके तहत उन्होंने बैंक में होने वाले ओटीपी फ्रॉड, एटीएम से फ्रॉड, फेसबुक अकाउंट हैक होना, नौकरी के नाम पर फर्जी ईमेल एवं फर्जी साइट बनाना आदि के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लेक्स तैयार करवाकर जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि इसे शहर के मुख्य पब्लिक प्लेस जैसे बैंक, हॉस्पिटल, बस स्टैंड आदि स्थानों पर इन्हें लगाया जाए। फाटक राहगीर का वाहन खराब होने पर डायल 100 के स्टाफ ने लगभग 2 से 3 किलोमीटर वाहन को धक्का कर पहुंचाया सुरक्षित स्थान। नांगलवाड़ी से इंदौर जा रहे परिवार की कल देर रात कार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर बरू फाटक के पास खराब हो गई, जिसकी सूचना डायल 100 पर देने पर बरू फाटक डायल 100 के कर्मी मौके पर पहुंचे। कार चालक ने बताया कि वाहन चालक 100 से टोचन नहीं हो पा रहा था। वहीं देर रात होने व महिलाओं के साथ होने के चलते आरक्षक दुर्गेश पाटीदार ने वाहन को मौके से 2 से 3 किलोमीटर तक स्वयं ने धक्का लगाकर वाहन व परिवार को सेफ जगह छोड़कर उनकी मदद की। सेंधवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई, पूजन अर्चन किया गया। ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के साथ ही मंदिर की घंटिया बजी और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का जय घोष गुंजा। सदर बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष नाम मात्र लोग जन्माष्टमी पर पहुंचे। हर वर्ष जहां आज रात में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती थी, इस बार सुनसान नजर आए। राम बाजार स्थित राम मंदिर में तो भक्त कम ही नजर आए।